तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज स्मैकडाउन पर हमें ब्लड लाइन का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी ब्लड लाइन रिंग में आती है। इसके बाद पॉल हेमन माइक लेते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और क्योंकि मैं ब्लड लाइन के लिए एक वाइज मैन हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि मैं सारी चीजों को सामने रखूं। वो कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक रोमन रेंस वापस नहीं आते तब तक सोलो सिकोवा हेड ऑफ द टेबल पर बैठेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑडियंस वी वांट रोमन के चैंट्स लगाने शुरू कर देती है और सोलो इस पोजीशन पर है इसीलिए सोलो आज दो अनाउंसमेंट्स करना चाहता है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे पर ध्यान दो जो कि मेरे दाईं ओर खड़ा है। इसे सोलो सिकोवा ने पहले ही ब्लड लाइन का एक फुल मेंबर बना लिया है, लेकिन इसी समय से ये बंदा आगे जाकर केवल टामा टोंगा नहीं कहलाएगा बल्कि इसी टाइम से ये बंदा आगे जाकर कहलाएगा टामा टोंगा द राइट हैंड मैन। यानी पॉल हेमन उसी राइट हैंड मैन की बात कर रहे थे जो कि जे उसो को कहा जाता था। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे पर भी ध्यान दो जो कि मेरे लेफ्ट में खड़ा है। पॉल हेमन कुछ और कह रहे होते हैं तभी यहाँ पर फिर से वी वांट रोमन के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। पॉल हेमन फिर से बोलना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम ब्लड लाइन के एक और फुल फ्लेज मेंबर यानी द इन्फॉर्मिस्ट टांगा लोवा को नहीं जानते। यानी यहाँ पर सोलो सिकोवा और ब्लड लाइन ने टांगा लोवा को एक इन्फॉर्मिस्ट का टैग दे दिया है, जैसे कि रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा को इन्फोर्सर का टैग दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलो सिकोवा यहाँ पर टांगा लोवा के गले मिलते हैं। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और गुड नाइट। लेकिन हम ये देखते हैं कि टांगा लोवा और टामा टोंगा यहाँ पर पॉल हेमन को दोनों साइड से पिचकाना शुरू कर देते हैं। सोलो सिकोवा कहते हैं, रुक जाओ वाइज मैन, और क्या तुम कुछ भूल रहे हो। पॉल हेमन यहाँ पर काफी ज्यादा डर के बोलते हैं कि जो बताना था वो तो मैंने बता ही दिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सोलो शख्स के चांस लगने भी शुरू हो जाते हैं। सोलो सिकोवा कहते हैं, क्या तुम्हें इन दोनों का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्होंने पिछले वीक तुम्हें केविन ओवेन से बचाया। इसके बाद पॉल हेमन इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले वो टांगा लोवा से कहते हैं, इन्फॉर्मिस्ट मुझे पिछले वीक केविन ओवेन से बचाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो टामा टोंगा से भी कहते हैं कि मुझे केविन ओवेन से बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन वो यहाँ पर राइट हैंड मैन बोलना भूल जाते हैं। इसके बाद टामा टोंगा उन्हें काफी ज्यादा घूरते हैं, जिसके बाद पॉल हेमन एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बार वो राइट हैंड मैन को भी मेंशन करते हैं। टामा टोंगा कहते हैं कि हम चाहते तो हम केविन ओवेन्स को तुम्हें मारते हुए देख सकते थे, लेकिन हमने तुम्हें ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से बचाया। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं, चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली के फेवर में बढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी आ गया था क्योंकि मुझे कुछ वाइज मैन वाले काम करने होते हैं और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं ये सुन रहा हूँ कि केविन ओवेन्स अपना बदला लेने का सोच रहा है और वो ब्लड लाइन के हर सिंगल मेंबर से अपना बदला लेना चाहता है। जब तक पॉल हेमन इतना कहते हैं तभी यहाँ पर केविन ओवेन्स का थीम सॉन्ग बज जाता है। इसके बाद पॉल हेमन तो रिंग से निकल जाते हैं, लेकिन केविन ओवेन्स यहाँ पर पूरी ब्लड लाइन पर टूट पड़ते हैं। कहीं ना कहीं ब्लड लाइन यहाँ पर केविन ओवेन्स पर भारी पड़ रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर केविन ओवेन्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अपर हैंड मिलता है और पूरी ब्लड लाइन यहाँ पर रिंग से भाग जाती है। और इसी के साथ आज का ये सेगमेंट हमें एंड होता हुआ नजर आया। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।